प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सियासी पारा अपने चरम पर है। कांग्रेस पार्टी ने भी यहां अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन इस सम्मेलन में आला नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर घूसेला चले। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। अब हम इस विवाद की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखते हैं। दरअसल इस विवाद की जड़ मुख्य रूप से कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के ही विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि फूलपुर इलाके में एक सवर्ण प्रत्याशी और एक ओबीसी प्रत्याशी के बीच अपनी टिकट की दावेदारी इस चुनाव के लिए की जा रही थी और उसी दौरान दोनों गुटों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें सीट में बैठने का विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर घूसेलात बरसाए और उसके जवाब में दूसरे पक्ष ने भी वहां मारपीट की है। यहां पर 4,18,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें जातीय समीकरण यहां का सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी यहां अपना जातीय समीकरण साधने के लिए किसी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो अगर उसे अलायंस में यहाँ की सीट मिलती है तो कम से कम जिताऊ प्रत्याशी साबित हो सके। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि फूलपुर विधानसभा के लिए छात्र नेता और कांग्रेस के पिछड़े वर्ग से आने वाले सुरेश यादव की तरफ से अपनी उम्मीदवारी की गई थी और अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। इसी दौरान एक कांग्रेस के सवर्ण नेता के द्वारा जो अपनी दावेदारी वहाँ से टिकट के लिए कर रहे थे, उनके बीच में विवाद हुआ और जिसके बाद में दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उस मंच में जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अविनाश पांडे के अलावा सांसद उज्जवल रमण और किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद थे, वहां पर आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, उन्हें वहां से रुखसत होना पड़ा। दरअसल फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में 4,18,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या करीब 75,000 से 80,000 के बीच में दलित मतदाताओं की है। दूसरे स्थान पर पटेल मतदाता हैं और इसके बाद मुस्लिम वोटर्स आते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ करीब 35,000 से 40,000 के बीच में हैं, जो कभी कभी निर्णायक हो जाते हैं। दोनों गुटों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी के साक्ष्य दिए जा रहे थे। आला नेताओं को बताया जा रहा था कि किस आधार पर वो दूसरे जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं उनसे बेहतर हो सकते हैं। इसी दौरान एक गुट के बहुत सारे समर्थक वहाँ पर आ गए और उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, जिसके जवाब में दूसरे गुट ने भी वहां उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद मारपीट की स्थिति उतर आई है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र में जो सवर्ण प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहा है, वो एक बार 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी भी रहा था, लेकिन वो यहाँ से हार गया था। इसी आधार पर उस प्रत्याशी की तरफ से फूलपुर विधानसभा सीट के लिए भी अपनी दावेदारी की जा रही थी, ये कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं। इधर ओबीसी नेता की तरफ से अपनी दावेदारी की जा रही थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और विवाद यहां तक बढ़ा कि आपस में मारपीट तक शुरू हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पार्टी ने भले ही इस विवाद को सुलझा लिया हो, लेकिन अभी भी दोनों गुटों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। दिनेश सिंह, TV9 UP, फूलपुर, प्रयागराज।